हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग बात करेंगे ड्रोन रेवोल्यूशन की, बट इसमें हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ ड्रोन का यूसेज इन रूरल एरियाज या टू बी मोर प्रिसाइसली इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो प्रॉपर ड्रोन पे आएगा, तो वो आपसे हर फील्ड में पूछेगा कि कहाँ कहाँ पर इस तरह की चीजें यूज हो रही है। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में हम लोग जानते हैं ड्रग्स और आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर पर ये चीजें काफी देखने को मिल रही हैं, राइट, जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में। उसी तरीके से हमने हाउदी रेबल्स के उसमें देखा है, यानी कि ओवरऑल कन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। यूक्रेन ने भी काफी ड्रोन्स का यूज किया रशिया के अगेंस्ट। उसी तरीके से फिर जब हम नॉर्मल फील्ड में बात करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर में इसका काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है, राइट। तो अगर ड्रोन पे क्वेश्चन आएगा तो हर तरीके से यूज करना लिखेंगे हम लोग। अगर रूरल या एग्रीकल्चर एरियाज में आता है, तो उसमें ड्रोन सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनेगा कि इसका हम एग्रीकल्चर में अपनी प्रोडक्टिविटी, सॉइल असेसमेंट, क्रॉप असेसमेंट में यूज करते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, जैसे नैनो यूरिया बनाया हम लोगों ने, नैनो डैप बनाया, TAP। उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, राइट, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में GM क्रॉप्स पर रिसर्च चल रही है, एंड सो ऑन। ओके, तो अलग अलग डायमेंशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज हाउ टू लिंक द टॉपिक व्हेन इट इज आस्क्ड होलिस्टिकली। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट बनता है, GS3 में अंडर ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। ये आपके सिलेबस का पार्ट है GS3 में। ओके, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, और मुझे आपके साथ अभी डील करना है फिलहाल ड्रोन रेवोल्यूशन, बट कीपिंग इन माइंड दी रूरल एरियाज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था लास्ट ईयर, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ वर्ड कहे थे, तो हम उन वर्ड्स को एज इट इज यूज करेंगे। इन वर्ड्स ऑफ PM मोदी, जब उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू सी ए ड्रोन इन एवरी फार्म एंड फोन इन एवरी हैंड, राइट। मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में कराया था, तब मैंने कहा था आपसे कि इनको एम्फेसाइज किया था मैंने कि इसको याद रखिए, ये सब आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाते हैं। ड्रोन इन एवरी फार्म एंड मोबाइल इन एवरी हैंड। तो मोबाइल रेवोल्यूशन एंड स्पेशली इंटरनेट पेनिट्रेशन तो हमारे इंडिया में बहुत तेजी से हुआ है पिछले 3-4 साल में। अब से बात है, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आ जाती है ड्रोन का अडॉप्शन। अभी हम लोग अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा या तो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं ड्रोन से, जो इधर उधर उड़ाते फिरते हैं, और या फिर आप लोग मैरिज वगैरह में जाते हो तो वहां पर आजकल फोटोशूट्स वगैरह में भी यूज होता है, राइट। तो एक चीज श्योर है कि कहीं ना कहीं ड्रोन अफोर्डेबल तो हुआ है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि कहां पर वो लोग ड्रोन को किस किस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स दिमाग में होने चाहिए, राइट। पहले तो आई थिंक इंट्रोडक्शन में आप यूसेज तो उसका लिख ही लोगे ड्रोन का, वो इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आता है। हम भी जैसे ये लोग यूज कर रहे हैं ड्रग्स एंड आर्म सप्लाई के लिए, हम लोग भी यूज कर सकते हैं सर्विलेंस के लिए, लाइक सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस एंड सो ऑन। उसी तरीके से कंफ्लिक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं ऑन बॉर्डर एरियाज, या फिर स्पेशली नक्सलाइट एरिया में फॉर सेम पर्पज सर्विलेंस, और एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन रेवोल्यूशन आप बोल सकते हो कि इट रेफर्स टू इंक्रीज यूज ऑफ UAVs टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस दैट कंट्री इज फेसिंग, लाइक लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या लैप्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मोजाम्बिक, छोटी सी अफ्रीकन कंट्री है, बैकवर्ड है, बट क्यों इसको हमने सबसे पहले रखा, क्योंकि यहाँ पर ना इसने सबसे ज्यादा एडॉप्शन किया है इसका फॉर फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स। फिर देखिए, इनके यहाँ पानी की भी कमी है, इनके यहाँ पर फर्टिलाइजर्स भी उतना अफोर्डेबल नहीं है इनकी जितनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, लेकिन इसका एफिशिएंट यूज हो सके इसलिए इसने स्मॉल स्केल फार्मर्स को ड्रोन बहुत तेजी से इसका पेनिट्रेशन बढ़ाया अपनी कंट्री में। सिमिलरली एक और कंट्री है मोरक्को, इसे भी अपने फार्मर्स के एग्री बिजनेस को सपोर्ट करने में काफी यूज किया है ड्रोन्स का। सिमिलरली जापान की बात कीजिए, जापान इस चीज में हमेशा सबसे आगे रहा है, और इसने आपको पता है कि मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस में कुछ टाइम डिस्कस किया था कि पॉलिनेटर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। देखिए, पॉलिनेटर्स जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट साइज के, इनको इनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहां पर जापान ने इंसेक्ट साइज के ही ड्रोन बनाए, गलत हो गया,
इंसेक्ट साइज ड्रोन, और उसको किस चीज के लिए यूज कर रहा है? उसको यूज कर रहा है फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, छोटे छोटे लाइक बी मधुमक्खी होते हैं उनके साइज के, बटरफ्लाई के साइज के, इनका यूज कर रहा है फॉर पॉलिनेशन। सिमिलरली अगर हम बात देखें यूरोप और यूएसए में इसका एडॉप्शन, तो वहां तो और ज्यादा है, यूएसए में तो खासकर बहुत ज्यादा है, उसमें हमें इसका काफी यूज देखने को मिलता है फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए प्रिसिशन फार्मिंग, चाहे वो फर्टिलाइजर का यूसेज हो और सॉइल की सॉइल का ऑब्जर्वेशन हो, वो सब अच्छे से इसके थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ तीन एग्जाम्पल हैं जो आपको आपके आंसर को थोड़ा एनरिच करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कि आखिर इसको एडॉप्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। सबसे पहले एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो इनपुट यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसको कितना एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग है कि ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज करेंगे हम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल सॉइल असेसमेंट के लिए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स भी बोल दीजिए इसी में, राइट, या फिर प्रिसिशन फार्मिंग के लिए। तो ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एक बूस्ट मिलेगा इससे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सेकंड आपने एक स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज पीएम स्वामित्व। पीएम स्वामित्व स्कीम, इसका इसका गोल क्या था? इसका था कि हमें जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करना है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और उसमें भी ड्रोन का ही यूज किया जा रहा था। ओके, और वो ड्रोन एम्प्लॉय करेगा टू सर्वे दी विलेज लैंड एरियाज, और उसके बेस पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे, टू सर्वे दी विलेज लैंड एरियाज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बनता है, ये हो गया पीएम स्वामित्व। थर्ड इज कि ये एक जॉब क्रिएशन का टूल होगा ये रूरल एरियाज में। अब इसमें आप स्कीम को कोट कीजिए जरा, एक स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट, ड्रोन दीदी स्कीम। अब यहां पर ड्रोन दीदी स्कीम में हम दोनों चीज पे फोकस कर रहे हैं कि एक एक तरीके से तो इनको जो पायलट पायलट ही बोलेंगे, ठीक है, कि ड्रोन यूज करना आता आपको, और दूसरी तरफ वहीं उस ड्रोन को रिपेयर या कोई प्रॉब्लम हो तो मैकेनिक का कोर्स भी इनको करवाया जाएगा, राइट, वो लड़के भी आ जाएंगे उसमें ऑब्वियसली, बट पायलट के केस में तो ड्रोन दीदी का मेन फोकस यही है कि वुमेन्स को ट्रेन किया जाए कि वो इस ड्रोन को यूज कर सकें, राइट। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो वुमेन अभी तक एग्रीकल्चर लेबर, जिसको हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो एटलीस्ट एक दूसरी इनकम का सोर्स बनेगा, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी को एनहांस करने का काम करेगा ये। ओके, सिमिलरली सिमिलरली ये काम करेगा आपका ओवरऑल इंडिया की जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है उस पे, या आप कह लीजिए ओवरऑल रूरल ग्रोथ पर फोकस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होती ना, तो ग्रुप से निकाल लिया करो, उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। और अगर वैसे तो प्रेफरेंस यही रहेगा हमेशा से कि आप अपने हैंड रिटन बनाओगे तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, सी जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि ये जो पूरी ड्रोन इंडस्ट्री है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और एक्सपेक्टेड है कि बाय 2026 ये पूरी इंडस्ट्री हमारी 15,000 करोड़ से ऊपर जाएगी। ओके, तो नए नए स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे हमें इसमें, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि रूरल एरियाज में हर फार्मर ड्रोन खरीद लेगा, नहीं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनेंगे, वो आप कह सकते हो कि रेंट पे देने का काम कर सकते हैं ड्रोन्स को, ठीक है, वो ट्रेनिंग देने का काम करेंगे कि आप कोर्स करके यहाँ पे सीख सकते हो इस तरीके की, एंड ओवरऑल इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसको एक बूस्ट मिलेगा हमारी ओवरऑल कंट्री में, तो अगेन जॉब क्रिएशन भी उससे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ही वो सारे पॉइंट्स हमने एक साथ ही देख लिए, चाहे वो वाटर का एफिशिएंट हो या फर्टिलाइजर स्प्रे करने का काम हो, वो सब एक ही में आ जाएगा।
तो ये बात हो गई इनके एडवांटेजेस की, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस है तो फिर कुछ चैलेंजेस भी होंगे, सो लेट्स लुक एट द चैलेंजेस वन बाय वन। सी सबसे पहला, इनको चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले हमें चाहिए कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है तो ड्रोन देके करोगे क्या? राइट, सो दिस इज सिग्निफिकेंट चैलेंज, क्योंकि हमें पता है कि रूरल अर्बन एरियाज में अगर हम देखेंगे तो उसमें काफी काफी सारे वेरिएशंस हैं, काफी सारे डिफरेंसेस हैं कि हम लोग रूरल एरियाज में उतना ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। मोबाइल फोन तक है वो ठीक है, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बहुत पुअर है वहां पर। ओके, देन नेक्स्ट इज कि अभी जो ड्रोन है वो इतने अच्छे नहीं है कि वो हर वेदर कंडीशन में चल जाए, सो वेदर डिपेंडेंस हैं ये लोग अभी, ये एक और चैलेंज है इनका। राइट, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है अभी, ये डिपेंड करती है वेदर। आप सोचिए कि कहीं पे विंड बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ठीक है, ज्यादा तेज अगर विंड चल रही है, रेनी कंडीशन है, तो वहां पर ये वर्क नहीं कर पाएगा ठीक से। ओके, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें थोड़े ऐसे ड्रोन बनाने होंगे जो वेदर, किसी भी तरह की वेदर में काम कर सकें, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज स्किल्स, लैक ऑफ ड्रोन ऑपरेशनल स्किल्स। राइट, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन दीदी योजना और इन सब के थ्रू हम लोग इस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी ये कोई 2 दिन का काम नहीं है कि आप इजली स्किल्स दे लोगे। ओके, तो आप कह सकते हो कि हमें थोड़ा सा अभी नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करने की जरूरत है यहाँ पर, नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये ऑपरेशनल स्किल्स की बात तो हो गई, बट एट द सेम टाइम मेंटेनेंस एंड रिपेयर की स्किल्स देना भी जरूरी है, ठीक है, तो वो जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर स्किल्स है वो भी मिसिंग है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज। ठीक है, सब कॉमन सेंस वाले ही पॉइंट्स हैं मोस्टली, इतना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत याद करना पड़ेगा। द ओनली थिंग इज कि आप उतना सोच पाए एग्जाम हॉल में, और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। सो मैं इन नॉर्मल ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो शादियों में आप देखते हैं फोटो वगैरह में, नहीं, हाई कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स, हाई कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रोन। स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स की मतलब है कि वो ड्रोन्स जो सीरियसली वो ड्रोन्स जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड स्प्रेड कर सकें, वो ड्रोन्स जो ग्राउंड ग्राउंड में हमारे वाटर लेवल को मॉनिटर कर सकें, जो सॉइल को असेस कर सकें और उस हिसाब से देख सकें कि सॉइल में कितने पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी, तो वो स्पेशलाइज्ड ड्रोन आते हैं अगर, तो वो बहुत हाई कॉस्ट के साथ आते हैं, जो कि इंडियन फार्मर्स के लिए अभी अडॉप्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। राइट, इसके अलावा और पॉइंट्स आप क्या देख सकते हो, अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे यहाँ इसका बहुत ही लो एडॉप्शन रेट है, लो एडॉप्शन रेट। अब अगर आप इसको यूएसए से कंपेयर करेंगे तो वहां पर 84% फार्मर्स यूज करते हैं ड्रोन सर्विसेज को, क्योंकि एक तो उनके यहाँ क्या पर एकड़ लैंड होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, आप 100 200 500 हजार एकड़ तक की अगर होल्डिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान पैदल दिन भर नहीं घूम सकता खेत में, वो ड्रोन के थ्रू ही अपनी क्रॉप्स को मॉनिटर करेगा कि किस तरीके से ग्रो हो रहा है कहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ हमने चैलेंजेस देख लिए, अगेन सेइंग 4 5 याद रखो काफी है, इतना ही स्कोप होता है एग्जाम हॉल में लिखने का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब जल्दी से गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्कीम्स लेकर आई है। सबसे पहली स्कीम जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। राइट, बहुत से सेक्टर्स के लिए आई है, उसमें से एक सेक्टर है हमारा ड्रोन का। राइट, और यहां पर ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कंपोनेंट्स। ओके, एंड इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, अगर आप सेल्स देखेंगे ना ड्रोन्स की, तो 2021 में सिर्फ 60 करोड़ सेल थी, जस्ट 60 करोड़ रुपीज की, ये सेल ड्रास्टिकली बढ़ के 900 करोड़ हो गई है बाय 2023-24। राइट, ऑल थैंक्स टू दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, क्योंकि वो सेल्स को टारगेट करती है ना कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी सेल कर रहे हो, हिसाब से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग एक सेपरेट स्कीम लेकर आए थे फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्पेशली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉट इंपोर्टेंट।
है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिर्फ ड्रोन प्रोवाइड करेगी और साथ में आपको ट्रेनिंग भी देगी इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, बट प्रोवाइडेड कि आप ये सब यूज करें एग्रीकल्चर में, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे ले जाके खेल रहे हो उससे। तो इसमें फाइनेंशियल आउटले दिया गया है अराउंड 12,060 करोड़ रुपीज का गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट इज ड्रोन शक्ति स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ड्रोन शक्ति स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग वगैरह कर सको उसके लिए, ठीक है, एक तरीके से स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। तो इसके बाद ड्रोन रूल्स वगैरह मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक मेंशन भर करना काफी रहेगा। ड्रोन को के रिगार्डिंग रूल्स लेकर आई थी गवर्नमेंट 2021 में, दैट अगर आप ड्रोन सर्विसेज ऑफर करना चाहते हो अपने एरिया में तो यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ विद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, राइट, तो एक प्रॉपर पूरा का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया था इस ड्रोन रूल ने आपको। जैसे आप एयरपोर्ट के अगर आसपास रहते हैं तो आप वहां पर नहीं फ्लाई कर सकते, ओके, इस तरह का पूरा रेगुलेशन है उसमें, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए पहले, जो भी ड्रोन ऑपरेटर होंगे या जो भी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग लेकर आए थे एक और सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंडर में, सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसी के अंडर में हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अप टू 50 to 80% फॉर परचेज ऑफ ड्रोन। और एक तो ये पांच पॉइंट या पांच स्कीम्स जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं ये आपके आंसर में दिखनी चाहिए, प्रोडक्शन लिंकिंग स्कीम, ठीक है, उसके बाद स्कीम फॉर वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिमिलर ड्रोन दीदी स्कीम ऊपर हमने कवर कर ली इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हो। और फाइनली ड्रोन रूल्स लेकर आए ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके जो भी सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, एंड दिस इज सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन में ड्रोन की परचेज पर आपको सब्सिडी दी जाएंगी 50 to 80%, ओके। अब अगर आपने ऊपर आप में आपको चैलेंजेस समझ में आ गए थे तो आप इसका फिर ये भी लिख लोगे कि हमें फर्दर स्टेप्स लेने की क्या जरूरत है, इसलिए इन दोनों को हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्दर स्टेप्स जिनकी हमें जरूरत है, राइट। सबसे पहला सबसे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा, इसमें आप मेंशन कर सकते हो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन को, उसका यही है ना कि हमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचानी है, ठीक है, सिर्फ मोबाइल डेटा से तो काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट इज कि हमें ट्रेनिंग एंड स्किल्स देनी होगी यहाँ पे लोगों को, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, नॉट नॉट जस्ट दी ऑपरेशनल स्किल्स कि आप पायलट वगैरह का काम करो, बट एट द सेम टाइम दी मेंटेनेंस और मैकेनिक सर्विस स्किल्स, कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी उसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स हैं हमारे, स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स की कॉस्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की जरूरत है अभी, तो उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं सब्सिडी स्कीम 50 to 80%, राइट। बट ऑब्वियस बात है कि सब्सिडीज हमेशा लीकेज बहुत होता है, पेपर वर्क बहुत होता है, तो किसान इन चीजों में पड़ता नहीं है उतना ज्यादा, ओके। तो हमें इनकी कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी, तो सब्सिडी के फॉर्म में नहीं, कॉस्ट रिड्यूस करनी है, मतलब कि कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही हमें इतना अच्छा करना होगा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल अटेंड की जा सके, ताकि ड्रोन की जो ओवरऑल कॉस्ट है वही रिड्यूस हो जाए। सब्सिडाइज फॉर्मेट में कब तक जाएंगे, राइट। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि वेदर वेदर स्टडी ड्रोन बनाने की जरूरत है, वेदर स्टडी ड्रोन, ऐसे ड्रोन्स जो कि किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकें, ओके। सो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो फंक्शन, और जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी समथिंग, एनीवे, चलिए अब वेदर वेदर स्टडी ड्रोन की बात करें, तो ऐसे ड्रोन्स जो किसी भी कंडीशन में ऑपरेट कर सकें, लाइक अगर बहुत ज्यादा विंड चल रही है या फिर
या फिर इसके अलावा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर टाइप की कंडीशन है, हीट वेव टाइप की कंडीशन है, तो वो इस तरह की चीजों में या वेदर ही ओवरऑल खराब हुआ है तो उसमें भी ऑपरेट कर सके। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि बहुत ज्यादा तेज ये चल रहा है, ठीक है, विंड चल रही है या फिर लाइटनिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली इंसान वहां देखने थोड़ी जाएगा कि उसके क्रॉप की क्या हालत है, एटलीस्ट वो ड्रोन के थ्रू देख सके। तो हमें इस तरह के वेदर स्टडी ड्रोन बनाने की जरूरत है। फाइनली फाइनली आप कह सकते हो कि कंक्लूजन में कि देयर इज अ विद ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश, लिबरल इंसेंटिव्स, क्लियर रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी हैव अ हाई पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रोन रेवोल्यूशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। ओके एंड फाइनली हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिल सकता है इससे। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पीएम के वर्ड्स आपको जरूर कोट करने चाहिए अपने आंसर में। ये इंटरनेशनल लेवल से आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। हमने अफ्रीका की भी बात की, हमने एशिया की भी बात की, हमने यूरोप और यूएसए की भी बात की। क्योंकि जनरली जब आप इस तरह के पॉइंट्स अगर कभी इंटरव्यू में बोलते हो ना, तो उनका यही होता है कि आप डेवलप कंट्रीज से ही क्यों कंपेरिजन कर रहे हो। तो ठीक है, हम अफ्रीकन कंट्रीज से भी कर लेते हैं, वो भी हमसे आगे हैं इसमें। इसके अलावा एडवांटेजेस की बात करें तो यस, एग्रीकल्चर की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज आएगा। देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने हैं ना, तो आप इस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को फिर आप लिख लीजिए ब्रेक कर करके। सॉइल असेसमेंट में यूज करेंगे हम, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में करेंगे, प्रिसीशन फार्मिंग में करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि वाटर वाटर स्प्रेइंग वगैरह में यूज करेंगे। बट इतना ब्रेक करके फिर वो सामने वाले को पता है, जो चेक कर रहा होगा ना आपका आंसर, उसको ये इंप्रेशन जाता है कि आपके पास अच्छे पॉइंट्स नहीं है, इसलिए आप एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट को ही ज्यादा इलैबोरेट कर रहे हो ब्रेक कर करके, ठीक है। यहाँ पर डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स के कंटेक्स में हमने बात की, जॉब क्रिएशन करेगा एंड रूरल ग्रोथ को स्पर करेगा। अब देखिए क्वेश्चन, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूरे रूरल एरियाज में ड्रोन की एप्लीकेशन पूछ रहा है या सिर्फ एग्रीकल्चर में पूछ रहा है। अगर एग्रीकल्चर में पूछ रहा है तो अपने आप को यहां तक लिमिट रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप एम्प्लॉयमेंट की बात उस पर जोड़ सकते हो। लेकिन अगर रूरल एरियाज की बात कर रहा है तो आप लैंड रिकॉर्ड्स की भी बात करोगे, आप ओवरऑल रूरल ग्रोथ की भी बात करोगे। क्लियर? चैलेंजेस में एकदम सिंपल थे, हमने 6-7 किए हैं, आप कोई से भी 4-5 याद रख लेना। स्कीम्स में ऊपर ड्रोन दीदी देखी थी, बाकी स्कीम्स आपके सामने हैं उनको याद रख सकते हो। और फर्दर स्टेप्स हमें क्या लेने की, तो अगर जो चैलेंजेस हैं बस उन्हीं का रिवर्स ही लिखना होता है। अल्टीमेटली दिस विल फॉर्म योर कंक्लूजन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया, और डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।